हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, फिजिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर। और उसमें हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में तो मोस्टली आता ही है। और आगे जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग सभी टॉपिक में कूलम्स लॉ का यूज़ किया जाएगा, बार बार इसके बारे में पूछा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ और ये किस तरह से इसका डेरिवेशन किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर इसके बाद यूनिट्स। इस तरह से हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलिए थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कूलम्स कौन थे। पूरा नाम था उनका चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम्स। एक फ्रेंच फिजिस्ट थे वो, और उन्होंने जो अपना कैरियर था एक मिलिट्री इंजीनियर के रूप में शुरू किया था वेस्ट इंडीज में इन 1776। उसके बाद वो वापस पेरिस लौट आए और वहाँ पर जो है एक स्मॉल स्टेट टू डू हिज साइंटिफिक रिसर्च, मतलब वहाँ पे एक साइंटिस्ट रिसर्च ग्रुप में काम करने लगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो हमारी टॉर्सन बैलेंस थी उसका आविष्कार किया, जिसका हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी ऑफ फोर्स को मेजर करने के लिए, और इसका यूज जो है हम दूसरे कामों में भी करते हैं, जैसे डिटरमिनेशन ऑफ इट्स फॉर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन स्मॉल चार्ज स्फीयर। और लगभग जब वो 1785 के आसपास में उन्होंने इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी दिया। क्या नाम दिया? इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिसको हम आज कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। द लॉ हैड बीन एंटिसिपेटेड बाय प्रीस्ली एंड आल्सो बाय कैवेंडिश अर्लियर, जबकि कैवेंडिश नेवर पब्लिश्ड हिज रिजल्ट। तो कूलम्स आल्सो फाउंड दैट इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन अनलाइक एंड अनलाइक मैग्नेट पोल। तो उन्होंने जो है एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर, तो उसी का आज हम टॉपिक शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। क्या क्या उसने बातें कही थी और क्या क्या उसने कहा था। तो कूलम्स लॉ एक हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स है। इसकी क्या स्टेटमेंट है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, हम फोर्स जो है दो पॉइंट चार्ज के बीच में लेके चलेंगे। व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। दोबारा सुन लीजिए क्या कहता है। लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। साइज मतलब हम इग्नोर भी कर सकते हैं। चार्ज बॉडी आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, तो हम उसको पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे। कॉलम मेजर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एंड फाउंड दैट इट वेरीड इनवर्सली एज द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्ज। तो ये था उनका कूलम का जो ला था, और उन्होंने जो है जो हमारा ये इक्वेशन था जो उन्होंने डराइव किया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए चलते हैं क्या कहता है कूलम्स लॉ। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? पॉइंट चार्ज, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी ई चार्ज। मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके वो प्रोपोर्शनल में है। सेकंड पॉइंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्केयर ऑफ दी सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स स्केयर लॉ। क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्केयर लॉ। थर्ड पॉइंट क्या है? डायरेक्टेड अलोंग दी सेपरेशन वेक्टर कनेक्टिंग देयर सेंटर्स, यूनिट वेक्टर जो आर दिया गया है हमारे पास। ठीक है, ये है उनकी डेफिनेशन। ये देखिए, कुछ दो चार्ज रखे गए हमारे पास, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये बीच में डिस्टेंस दी गई है, और ये फोर्स इधर से लग रहा है और फोर्स इधर लग रहा है। एक फोर्स Q1 पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स दूसरे Q2 पे लग रहा है दूसरी डायरेक्शन में। तो जो ये रिलेशन है हमारी, इस रिलेशन को बोलते हैं कूलाम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं? कूलाम्ब्स लॉ। और जो हमारे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम्ब थे, जो कि 1736 में जिनका जन्म हुआ था और 1806 में जो है उनको स्वर्गवास हो गया था, और वो फ्रांस के रहने वाले थे। एज एन इक्वेशन इट इज़ यूजली रिटन इन वन ऑफ टू फॉर्म्स। तो मुख्य रूप से ये दो भागों में लिखी जाती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ये है इनकी एग्जैक्ट फॉर्म कूलाम्ब्स लॉ की। और इससे क्या बन जाती है हमारे पास? 1/4π, जो हमने K लिया था उसके स्थान पे ये आ गया। ठीक है, Q1 Q2 इंटू आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के ई क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टेटिक कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.99 इंटू में 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कोलम स्क्वेयर। और ये क्या है? एप्सल नॉट वैक्यूम परमेबिलिटी, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 कोलम स्क्वेयर न्यूटन मीटर्स। तो ये है हमारे पास कूलाम्ब्स लॉ की जो डेफिनेशन हम करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, वो क्या है? व्हेन टू चार्ज हैव द सेम साइन देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। मतलब या तो दोनों पे प्लस हो या दोनों पे माइनस हो। ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड, विच मीन द फोर्स वेक्टर इज डायरेक्टेड विद द सेपरेशन वेक्टर आर। इसका मतलब ये है, ठीक है, एंड एक्शन इज रिपल्सिव। एक्शन क्या होगा हमारे पास? रिपल्सिव होगा जब चार्ज सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? व्हेन टू चार्ज हैव अपोजिट साइन होगा तो क्या होता है? देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, तो नेचुरली प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। विच मीन्स फोर्स वेक्टर इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सेपरेशन वेक्टर आर। इसका मतलब वो अगेंस्ट जा रहे हैं उसके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कूलाम्ब्स फोर्स इज एक्सट्रीमली बेसिक सिंस मोस्ट चार्जेज आर ड्यू टू पॉइंट लाइक पार्टिकल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रोस्टेटिक इफेक्ट एंड अंडरलाइन मोस्ट माइक्रोस्कोपिक फोर्स। जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक फोर्स हैं उसको अंडरलाइन ये करके चलता है। कूलाम्ब फोर्स इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर्ड विद ग्रेविटेशनल फोर्स, के कंपेयर में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा जो बेसिक फोर्स है, बट अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इट कैन कैंसल सिंस इट कैन बी आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। दो केस हो सकते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसमें दो केस हो गए हमारे पास, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू सब अटोमिक पार्टिकल्स इज फार ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सेम टू पार्टिकल। क्लियर है बात ये। नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे हम डिनोट करते हैं कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में। फिगर देखिए एक बार ध्यान से, हमारे पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इस पे फोर्स लग रहा है F2 और दूसरे पे फोर्स हमारे पास F1 लग रहा है, और ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, और ये हमारे पास वेक्टर R है डिस्टेंस के लिए, और इधर से भी क्या है R है, बीच में सेपरेशन क्या है वेक्टर R है हमारे पास, ये दिया गया हमारे पास फिगर। तो फिगर को यदि हम देखें तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 BF12, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, दोबारा देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स Q2। क्लियर बात है, क्या होगा इसमें, ये क्या होगा F12 एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 BF2। तो ये दो फोर्स हमने लेके चलने, एक पे फोर्स क्या है हमारे पास F21 और एक पे F12, यानी कि ये एक पे फोर्स है, एक दूसरे पे फोर्स ये है, एक Q1 पे फोर्स लग रहा है, एक Q2 पे लग रहा है, एक Q2 के कारण और दूसरा Q1 के कारण। वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 इज डिनोटेड बाई 2 1। अगर हम 1 to 2 ले रहे हैं, 1 to 2, तो ये हो जाएगा 2 1, यानी कि R21 कहाँ जाएगा, R2 से R1 की ओर। दूसरा वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 में, उसको डिनोट करेंगे R12, यानी कि R12 क्या हमारा R1 से R2। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, लेकिन दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये पॉइंट। अब ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाई ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, और डायरेक्शन हमारी यूनिट वेक्टर बताता है, और यूनिट वेक्टर ये है हमारे पास R21 इज इक्वल टू -R12 यूनिट वेक्टर। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं, कूलम्ब्स फोर्स लॉ बिटवीन टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, पहले हम एक पे लेंगे यानी कि F21 लेंगे, पहले फोर्स लेंगे हम, ठीक है, तो वही सेम हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू R21 का स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर, ये इक्वेशन एक होगी हमारी, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा फोर्स हमारा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वही डेफिनेशन क्या हमारे पास, 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर 1 2। क्लियर है, दो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, लेकिन दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों फोर्स क्या हैं इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसकी SI यूनिट देखिए, C की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट्स ESU, इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट को ESU लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ε0 की वैल्यू कितनी हमारी, 8.85 × 10⁻²⁻¹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये क्या है हमारी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम भी बोलते हैं इसको, ये हमारी परमिटिविटी है। इसके बाद करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कूलम्ब लॉ के, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर। नंबर 1, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, मीडियम पे डिपेंड करने वाला फोर्स है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसका मतलब क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई 1 चार्ज ऑन द अदर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाई द अदर ऑन द फर्स्ट, इसीलिए बोलते हैं इसको एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्ब लॉ इज जीरो, यानी कि फोर्स क्या होगा, जीरो। इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, मतलब टोटल फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, इसलिए कंजर्वेटिव है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट, कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज ओनली, सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। ये पॉइंट आप नोट रखेंगे, किसके लिए अप्लीकेबल है, ये पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है। बट इट कैन बी अप्लाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आल्सो। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब कई चार्ज होते हैं, मान लो हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4, वो आगे हम करेंगे, टॉपिक आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट, केवल स्टेशनरी पॉइंट के लिए अप्लीकेबल है चार्ज, एंड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। छठा पॉइंट, द लॉ एक्सप्रेस इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एट रेस्ट इन अप्लाइंग इट टू द केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज टू ए फाइनेट साइज। अगर हमें साइज क्या लेना है, फाइनेट लेना है, तो क्या होगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा क्या ध्यान रखना पड़ेगा, दैट अज्यूमिंग इनवॉल्व चार्ज ऑफ बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे मान के चलना पड़ेगा, एज दिस इज ट्रू ओनली फॉर स्फेरिकली चार्ज बॉडी, दैट ट्रू फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट क्या है हमारे पास, सेवन्थ पॉइंट, द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कोलंबियन फोर्स अलोन कैन नेवर बी स्टेबल, मतलब वो स्टेबल नहीं हो सकते। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट, हमारी वो कूलम्ब लॉ वाली। अब करते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फार्मूला, मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा मैथमेटिकली है। क्या है हमारे पास, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के इज इक्वल टू ई, ठीक है, जहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और ये क्या है हमारे पास, जी परमिटिविटी ऑफ दी सब्सटेंस, परमिटिविटी ऑफ दी सब्सटेंस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ दी फ्री स्पेस, यानी कि रेशो ऑफ दी परमिटिविटी ऑफ दी सब्सटेंस टू दी परमिटिविटी ऑफ दी फ्री स्पेस, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, एज रेशो ऑफ द टू लाइक एंटिटीज इट इज ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि वैल्यू कितनी आएगी हमारी, कॉन्स्टेंट आएगी, क्या आएगी, कॉन्स्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दोबारा रिविजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा ये, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कौन सा है, नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है, मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम इज डिनोटेड बाई लेटर के या ई आर भी ले लेते हैं कई बार, एज इट इज प्योर रेशो हैज नो यूनिट, फॉर एयर और वैक्यूम के की वैल्यू 1, फॉर एनी अदर मीडियम के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए के हमारा यानी कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, और दूसरा कोई भी मीडियम हो वो 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1, लेट के वन के टू बी दी टू पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस आर इन ए मीडियम या वैक्यूम एंड द सेम चार्ज आर सेपरेटेड बाई ए सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ई आर। तो वैक्यूम के लिए एफ वी क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर,
मीडियम के लिए क्या होगा, बस ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ई आर लग गया है, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, मीडियम में है। फार्मूला हमारे पास सेम फार्मूला रहेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का रेशो, ठीक है। दिस वाज क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास गुलाम जिला के बारे में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गुलाम जिला। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए